किसी के वीडियो में आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या हमारा चैनल शॉर्ट वीडियो से मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारा जो शॉर्ट वीडियो से जो व्यूज होता है, जो वॉच टाइम मिलता है, वो हमारा वीडियो चैनल मोनेटाइज के लिए काउंट नहीं होता। ऐसे में काफी सारे डाउट होते हैं, कमेंट भी आ रहे हैं कि हम शॉर्ट से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ। तो आज क्या वीडियो में सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो भी। जो यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, आपने चैनल बना रखा है और आपका भी वॉच टाइम यानी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका चैनल जो मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों कई लोग कमेंट करते हैं कि जो हमारा जो शॉर्ट वीडियोज है यानी शॉर्ट वीडियोज हमने जो शॉर्ट अपलोड कर रखा है उसका वॉच टाइम जो हमारा काउंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो शॉर्ट वीडियो से का वॉच टाइम है मोनेटाइज के लिए बिल्कुल भी काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे ऐसे जुलाई 2024 दिस मिनिमम वॉच टाइम रिक्वायर्ड टू मोनेटाइज यूट्यूब चैनल इज 3000 घंटे चाहिए होते हैं दोस्तों, अब से कम। जो कुछ टूल्स जो आपको मोनेटाइज हो जाता है जहाँ से आप जो अर्निंग करना है स्टार्ट कर सकते हैं, डाउन फ्रॉम 4000 आवर्स यानी 4000 घंटे से जो है तीन कम करके 3000 कर दिया गया है, जहाँ पर आप जो कुछ टूल से मोनेटाइज हो जाएगा आपका चैनल और वहाँ से आप जो अर्निंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों अगर आपको फुल मोनेटाइज करना है तो यहाँ पे 4000 घंटे चाहिए होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है लास्ट 365 डेज के अंदर यानी एक साल के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये अब पहले भी था और अब भी है, लेकिन अगर आप फुल मोनेटाइज करना चाहते हैं तो इस 4000 घंटे को कंप्लीट करना होगा और 1000 सब्सक्राइबर। बट यहाँ पर दोस्तों कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जो शॉर्ट जो है शॉर्ट चैनल है वो मोनेटाइज होगा या नहीं होगा शॉर्ट का, जबकि जो है वॉच टाइम ऐड ही नहीं हो रहा है यानी वॉच टाइम मोनेटाइज के लिए ऐड नहीं होता है। ये तो रियलिटी है दोस्तों, सबको पता भी होगा, तो वो बिल्कुल ऐड नहीं होता आपके शॉर्ट वीडियोज का वॉच टाइम आपके मोनेटाइजेशन के लिए। और कई लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमारा जो है शॉर्ट वीडियोज शॉर्ट भी डालते हैं हम, लॉन्ग भी डालते हैं, तो यहाँ पर अगर हम शॉर्ट से अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं तो क्या हमारे लॉन्ग वीडियो भी मोनेटाइज होगा? तो बिल्कुल होगा दोस्तों। अगर आपका वीडियोज जो है शॉर्ट से मोनेटाइज हो जाता है तो यहाँ पे आप जो है लॉन्ग वीडियो से भी अर्निंग कर पाएंगे, और अगर आपका लॉन्ग वीडियो से जो है चैनल मोनेटाइज हुआ है तो यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियो से भी अर्निंग कर सकेंगे। तो ये एक नया चैनल है, जो देख सकते हैं 3 वीडियोज अपलोडेड होना चाहिए आपके चैनल पर जो है एलिजिबिलिटी के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको 3000 जो है हर वॉच टाइम चाहिए होता है लास्ट 365 डेज के अंदर। एंड यहाँ पे अगर आपका शॉर्ट है, शॉर्ट व्यूज से मोनेटाइज करना है तो यहाँ से आप जो है 30 लाख यानी 30 लाख चाहिए होता है, यहाँ पे 30 लाख व्यूज चाहिए, ये नहीं कि वॉच टाइम यहाँ पे हावर्स वॉच टाइम है, आपको व्यू चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट का जो है वॉच टाइम काउंट नहीं होता, यहाँ पे व्यूज से यहाँ पे मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पे जो आपको 30 लाख व्यूज चाहिए होता है लास्ट 90 डेज के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको चाहिए होता है। तो अगर आप ये कम्प्लीट हो जाता है आपका ये क्राइटेरिया, तो इससे भी आप जो अपने चैनल्स को मोनेटाइज कर पाओगे। उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता, उसका व्यूज काउंट होगा, वो भी लास्ट 90 डेज के अंदर आप जो है 30 लाख जो व्यूज कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप जो शॉर्ट वीडियो से भी आप अपने चैनल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।